दोस्तों बिग बॉस सीज़न 13 काफ़ी अच्छे अपने पड़ाव में बढ़ रहा है और इस सीज़न के अंदर इस हफ्ते काफ़ी सारी चीज़ें हुई, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला और पारस का सीक्रेट रूम में होना, इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला का हॉस्पिटलाइज होना, ये सारी चीज़ें आज बिग बॉस के घर के अंदर मतलब इस हफ्ते हुई हैं। और इन्हीं सभी का लेखा जोखा लेकर घर में पहुँचे सलमान खान, और सलमान खान ने घर वालों को दिखाया कि कौन कितना पानी में है इस चीज़ का आईना। इस आईने की जो बात थी, आज घर के अंदर टास्क हुआ था फ्रीजिंग टास्क। इस टास्क के अंदर समय समय पर बिग बॉस कह रहे थे फ्रीज और रिलीज कर रहे थे, तो घर के अंदर आ रहे थे कंटेस्टेंट्स, एक्स कंटेस्टेंट्स आ रहे थे और गौरव आए थे जो कि रश्मि के छोटे भाई हैं, और वो घर के अंदर आकर दिखा रहे थे घर वालों को उनका आईना कि आखिरकार वो हैं क्या और अब हाल फिलहाल किस जगह पर स्टैंड करते हैं। सबसे पहले घर के अंदर आई काम्या पंजाबी। काम्या पंजाबी ने पहले भी कहा है कि उनका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, सहनाज उनका फेवरेट कंटेस्टेंट हैं और दूसरी ओर सिद्धार्थ शुक्ला को भी वो काफ़ी पसंद करती हैं, तो आसिम भी उन्हें सही लगते हैं। लेकिन जो काम्या पंजाबी हैं वो सीधा घर में आने के बाद दो नहीं तीन लोगों के ऊपर तो वो पूरी तरीके से बरस पड़ी। पहली तो हैं हमारी रश्मि देसाई, दूसरे आरान खान, तीसरी मधुरिमा तुल्ली। अब इन तीनों के बारे में बात करते हैं। आरान खान के ऊपर बरसना बेवजह नहीं था, आरान खान के ऊपर वो बिल्कुल सही बरसी थी। दरअसल हुआ ये कि आरान खान ने काफ़ी बातें रश्मि के बारे में कही जो कि सलमान खान मना भी करके गए थे कि आप ये बातें ना करें, मेरे जाने के बाद भी ना करें तो अच्छा होगा, आप दोनों के लिए अच्छा होगा। लेकिन फिर भी आरान ने रश्मि को लेकर बातें छेड़ी। उन्होंने कहा कि घर में आप जो कह रहे हो कि रश्मि का बैंक बैलेंस ज़ीरो है, रश्मि इतना सब करके इस मुकाम पर पहुंची है, आप रश्मि की वजह से वरान, रश्मि आपकी वजह से नहीं है। ये बात उन्होंने सीधे तौर पर कह दी, जो कि सलमान खान ने भी बाद में इस बात का सपोर्ट किया। सलमान ने भी ये बात कही कि शो जो है वो काफ़ी समय से रश्मि को ऑफर हो रहा था और ये जो शो है रश्मि हर साल इसे रिजेक्ट करती जा रही थी, इतने टाइम से ये शो को ऑफ़र किया जा रहा है और वो बार बार इसे रिजेक्ट कर रही हैं, तो इसके पीछे की कोई बड़ी वजह खास रही होगी। अब वो रिजेक्ट कर रही हैं लेकिन अचानक से उन्होंने इस शो को ले लिया तो अरहान खान के लिए शो लिया। उन्होंने ये बात कन्फेस की कि अरहान खान के लिए उन्होंने ये शो करने की सोची और ठानी कि इससे अरहान को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा अगर वो आगे आती है। इसके बाद रश्मि का तो क्लियर सॉर्ट आउट है कि वो इसके बाद इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहती क्योंकि वो सेटल होना चाहती है लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ में अब फैमिली बसाना चाहती हैं, बच्चे चाहिए उनको, तो ये चीज़ें उन्होंने पहले से उनके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लियर थी कि बिग बॉस के बाद वो ये सारी चीज़ें करने वाली है। यानी कि कहीं ना कहीं अरहान जो है वो मैटर करते हैं रश्मि के इस शो में होने को लेकर, लेकिन रश्मि की वजह से आरान है, आरान की वजह से रश्मि है, ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ आरान को लेकर सलमान खान ने ये कहा कि आरान की जो है वो रश्मि के घर में रह रहे थे और रश्मि के घर की चाबी आरान के पास थी, लेकिन आरान ने अपने रिलेटिव्स को भी रश्मि के घर पर ही रखा हुआ है। अब ये चीज़ें भी जो है पहले भी बाहर आ चुकी हैं और पहले भी किसी मैगज़ीन द्वारा छापी गई है ये चीज़ें कि आरान के घर वाले वहाँ पर रुके हुए हैं, जिसमें रश्मि के घर वालों और आरान के घर वालों के बीच में बहुत मतभेद भी हो रहे हैं, तो ये चीज़ सलमान ने रश्मि को सीधे तौर पर बता दी। दूसरी ओर अब काम्या पंजाबी जाती हैं रश्मि के पास और रश्मि को कहती हैं कि आखिरकार रश्मि तुम हो कहाँ, तुम्हें हमने इतना स्ट्रांग देखा है, इतना पावरफुल देखा है, लेकिन तुम ना ही स्ट्रांग दिख रही हो ना पावरफुल दिख रही हो, तुम छुप चुकी हो। शुरुआत के अंदर आप सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर लड़ रही हो, अब तुम आरान को लेकर लड़ रही हो, तुम्हारा खुद का तो गेम ही नहीं दिख रहा, तुम आखिर हो तो हो कहाँ पर, अब तुम कहाँ स्टैंड कर रही हो रश्मि। ये चीज़ें रश्मि को उन्होंने समझाई, तो मधुरी माँ को भी उन्होंने कहा, मधुरी माँ को दरअसल उन्होंने विशाल को लेकर बात कही। दरअसल उन्होंने एक बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग किया था विशाल को लेकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत था। दरअसल उन्होंने मासी का किरदार निभाया था, उसके बाद ही ये शब्द निकल कर आया उनके लिए, और विशाल को इस बात का बुरा भी बहुत लगा था, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव भी हो गए थे दोनों। अब सलमान खान ने इन दोनों की भी कहा कि आपका जो लव एंगल दिख रहा है वो कहीं से रियलिटी नहीं दिख रही, वो फेक दिख रहा है, आप जो भी घर में कर रहे हो एक दूसरों के लेकर वो बिल्कुल फेक दिख रहा है, आपकी लड़ाई भी फेक, आपका लव एंगल भी फेक, सब फेकिज्म में बहुत ज़्यादा आ चुके हो, तो आपको इससे बाहर निकलना होगा, इससे ये चीज़ इस तरीके से आप नहीं दिखा सकते। आप दोनों के रिलेशनशिप सच में बहुत अब्यूजिव है क्योंकि आप लोग दोनों ही बहुत गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।
जहाँ सहनाज की भी राय ली और थोड़ी सहनाज की भी टांग खींची सलमान खान ने। अब तीसरे जो कंटेस्टेंट थे वो आए थे काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब दूसरे कंटेस्टेंट हितेन तेजवानी आए थे। हितेन तेजवानी ने विशाल को आईना दिखाया और बताया कि देख बेटे, आप जो हैं बिल्कुल भी नहीं साफ दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं बिल्कुल धुंधले और आप इस कांच में तो आ ही नहीं सकते। और विशाल रियलिटी में धुंधले और कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं। कंफ्यूजन का टैग आरती से लेकर विशाल को देना शायद सही डिसीजन भी है, क्योंकि जो विशाल है शुरुआत में ऐसा लगा था कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के अपोजिट गेम खेलेंगे, हम कई बार कह चुके हैं, इस बार भी कह रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ का जो गेम था वो काफ़ी स्ट्रांग था और विशाल का जो गेम था वो उनके पीठ पीछे खेलने की ऐसा इस तरीके से लगा। लेकिन विशाल का गेम अभी भी खुलकर सामने नहीं आया। अब विशाल अगर जाते हैं आगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा उनके फैंस के लिए भी, लेकिन विशाल को अब खुल के सामने आना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि वो सच में पीछे दबे हुए हैं, उनको आगे आने में डर लग रहा है कि उनकी दोस्ती टूटेगी। तो ये दोस्ती वोस्ती का बचा नहीं है गेम। अब आपके दोस्त आपके कितने सगे हैं ये तो आपको खुद को भी पता है, तो अब ये दोस्ती वोस्ती का कहाँ बचा है ये गेम। दोस्तों बिग बॉस सीज़न 13 बहुत ही शानदार है और इस बार तो भैया सलमान खान काफ़ी अच्छी तरीके से इनकी क्लास ले रहे हैं। तो तीसरे जो कंटेस्टेंट आए वो आए रश्मि के जो भाई हैं गौरव। गौरव आते हैं और वो रश्मि को सीधे तरीके पे बता जाते हैं कि आखिरकार अरान क्या कर रहे हैं, और आँखों में इशारे तो हो चुके हैं। अब तीसरी चीज़ ये है कि अरान रोते हुए भी नज़र आ रहे हैं और वो लोगों से बात भी करना चाहते हैं, शॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं, बात कर भी नहीं पा रहे हैं। अरान की इमेज पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है ये चीज़ें। अब अरान रियलिटी में कैसे हैं ये तो उनके क्लोज वंस ही जानते हैं, हम किसी को इस तरीके से जज नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालना होगा क्योंकि ये उनकी लाइफ के लिए और उनके करियर के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है दोस्त। दूसरी ओर आसिम को लेकर भी सलमान ने उनकी टांग खींची और कहा कि आसिम तुम खुद की आवाज़ से ही परेशान नहीं होते क्या, क्योंकि आसिम कई बार चीज़ें आजकल ओवर करने लग गए। बाकायदा आसिम का गेम बहुत अच्छा चल रहा है, जो भी घर में आए उन्होंने आसिम के गेम की तारीफ़ की है। इसके अलावा घर के अंदर हुआ एक टास्क जो कि था काला दिल ज़्यादा किसका है ये टास्क। सभी ने अपने अपने रीजंस दिए। आपको बता दें कि आसिम ये टास्क जीते हैं, मतलब हारे हैं कि उनका दिल ज़्यादा काला है विशाल के मुकाबले। इन दोनों के बीच में टास्क हुआ था जहां पर रीजंस सिर्फ एक ही इंसान का सही लगा, वो थे विकास गुप्ता। विकास गुप्ता ने विशाल का दिल काला बताया था और रीज़न आसिम के लिए ये दिया था कि आसिम का दिल काला कह सकते हैं आप, लेकिन वो जो करता है वो सिर्फ टास्क के लिए करता है, टास्क के बाद वो अच्छा फ्रेंडली नेचर उसका रहता है और ये चीज़ हमने देखी है। इसके अलावा विशाल 24 घंटे इस तरीके से रहते हैं कि वो कब पलटी मार जाएंगे किसी को समझ नहीं आता। घर में जिसने भी अपना रीज़न दिया है वो आसिम को सीधे तरीके से कहें तो टारगेट करते हुए नज़र आए, लेकिन रीज़न किसी का भी इतना वैलिड नज़र नहीं आया था। वहीं सलमान खान और इस घर के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से रहती हैं। चीज़ें छोटी छोटी भी लोग अब एक दूसरे के बारे में नोटिस करने लगे हैं और ये सारी चीज़ें इनके गेम को अफेक्ट करने लगी हैं। जहां पर माहिरा ने बताया कि कैप्टन बनने के लिए आसिम ने ये सब किया, तो जब उन्होंने खुद ही रीज़न दे दिया था कि कैप्टन बनने के लिए ये सब किया, पारस ने भी ये बात बोली कैप्टन बनने के लिए किया, तो वो चीज़ उन्हें उस टाइम पे समझनी चाहिए थी। हालांकि कैप्टन बनने के लिए शिफाली ने भी किया था हिंदुस्तानी भाऊ का, जो कि आसिम ने उन्हें बहुत बुरा बुला कहा, ये चीज़ बिल्कुल गलत भी नज़र आई थी। अब बिग बॉस के घर के अंदर चीज़ें बहुत सेटल हो चुकी हैं, जल्दी आपको सिद्धार्थ शुक्ला भी घर में दिखेंगे और एविक्शन। अब सलमान खान ने बहरहाल ये कहा है कि डबल एविक्शन होगा, लेकिन डबल एविक्शन होगा या नहीं होगा इस बात की जानकारी कम ही लोगों को है। दोस्तों आपको बता दें कि जहां तक की रिपोर्ट्स हैं हिंदुस्तानी भाऊ घर से बाहर हो सकते हैं और जो हमारे सलमान खान साहब हैं वो मज़े ले रहे हैं बाकी कंटेस्टेंट के डबल एविक्शन के नाम पे, और घर के अंदर अब गुत्थी आएगी और गुत्थी भी कई सारी चीज़ें करने वाली हैं। बहरहाल आज का जो पूरा टास्क हुआ वो कुछ लोगों के ऊपर ही हुआ था, जैसे आसिम अब घर का सेंटर पॉइंट बन चुके हैं, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला गए हैं घर के अंदर, अब आसिम धीरे धीरे सॉफ्ट टारगेट भी बन जाएंगे, अब उनके अपोजिट हो सकते हैं लोग। बहरहाल ये देखना होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला घर में आने के बाद गेम कितना ज़्यादा सटल होता है और कितना ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात की सलमान खान ने, तो वहाँ पर बहुत मजाकिया अंदाज में एक दूसरे से बात की और सिद्धार्थ शुक्ला भी आइसोलेटेड हॉस्पिटल में आइसोलेट हैं पूरी तरीके से, बाहर वालों से बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, तो ये सारी चीज़ें हैं।
अब सब ऑब्जर्वेशन में है। तो दोस्तों आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा था। बहरहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं बिग बॉस के संडे के एपिसोड के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खेलो खेलो को, क्योंकि बिग बॉस से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलती है सबसे पहले।